सिटी ऑफ नॉलेज बनने की ओर अग्रसर गोरखपुर बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गौरक्षक पीठ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में संभावनाओं के नए द्वार खोलने वाली इस सौगात का ताना बाना बुन लिया है। गोरखपुर को बहुत जल्द निजी क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय मिलने वाला है। बालापार रोड सोनबरसा में यह विश्वविद्यालय तेजी से आकार ले रहा है। मंगलवार को इसका प्रस्ताव मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया। करीब 200 एकड़ के विशाल कैंपस और अत्याधुनिक संसाधनों से लैस यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार चिकित्सा, टेक्नोलॉजी, कृषि, वाणिज्य, कला, साहित्य, ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्ट शिक्षा, अध्ययन और शोध का केंद्र बनेगा। यही नहीं, यहाँ इंसेफेलाइटिस, कालाजार जैसे बीमारियों, बाढ़, भूकंप जैसी आपदाओं और भूगर्भ से अंतरिक्ष तक की वैज्ञानिक चुनौतियों के समाधान की हल तलाशे जाएंगे। इससे परंपरागत विषयों से अलग हटकर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट शिक्षा के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भटकाव खत्म होगा, उनके लिए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। हर क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर के और उच्च शिक्षा शोध तक, और इसके साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन हो, चिकित्सा मेडिकल एजुकेशन हो, यहाँ तक कृषि के क्षेत्र में भी एक हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र खोल रखा है पीपी कैंट के पास में, और एक नया विश्वविद्यालय की स्थापना हम लोगों ने महाराज जी के आशीर्वाद से होने जा रहा है। यह एक नया विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय होगा। लखनऊ के पूर्व उत्तर प्रदेश में कोई भी अब तक प्राइवेट विश्वविद्यालय नहीं था।